कन्हैयालाल की हत्या के खिलाफ जयपुर में रविवार को प्रदर्शन हुआ। स्टैचू सर्कल पर सुबह 10 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हत्याकांड को लेकर विरोध जताया। हिंदू संगठनों में स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ कई सामाजिक और धार्मिक संगठन इसमें शामिल हुए। अजमेर में आज सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक सर्व समाज की ओर से बंद बुलाया गया। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में जयपुर के स्टैचू सर्कल पर बड़ी संख्या में लोग कन्हैयालाल की हत्या का विरोध जताने पहुंचे। संत समाज के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कुछ ही देर में एक मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। प्रदर्शन को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जयपुर में सर्व हिंदू समाज की ओर से एक बड़ा सामूहिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संत और हिंदू समाज से लोग जुटे। प्रदर्शन में वक्ताओं ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। वहीं हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। प्रदर्शन में लोग भगवा झंडा लेकर शामिल हुए। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। बड़ी संख्या में साधु संत भी सभा में पहुंचे और हिंदू को एकीकृत करने पर जोर दिया। जयपुर में NIA कोर्ट में पेशी के बाद शनिवार रात मोहम्मद रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद और अन्य मोहसिन और आसिफ को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। देर रात NIA टीम चारों आरोपियों को वापस जयपुर ले गई। NIA टीम आरोपियों को आज दिल्ली ले जा सकती है। उधर हत्याकांड से जुड़े मामले में रविवार को रियाज से जुड़े नेताओं से पूछताछ और जाँच हो सकती है। मामले को लेकर ATS और SIT जाँच कर सकती है। साथ ही कुछ अन्य आरोपियों से भी पूछताछ हो सकती है। संभावना यह भी है कि चश्मदीदों से भी जांच एजेंसियां मुलाकात करेंगी।